अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअददि मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। करबला मौला बैनुल हरमैन मोहब्बतों की आमाजगाह, इश्क की तरबियत गाह, वफ़ा की दर्स गाह। आइए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीयीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमत ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन वाल अरवाहिल्लती हल्लत बेफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदे मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुमिनीन व इब्ना क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वाले अमीरिल मुमिनीना वल हसने वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को शहादत उनकी करीब है, जिस तरीके से आप टीवी में मुलाहिज़ा कर रहे हैं मौला की ज़रिए दिखाई जा रही है। आइए काज़मैन की तरफ रुख कर लीजिए। जो दूर हैं इराक़ की जानिब रुख करेंगे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरीक़ की जानिब रुख करना आपके लिए काफ़ी रहेगा। आएँ सलाम करें उस गरीब, मज़लूम, मकतूल, शहीद, मसजून पर जो तन्हाई की आलम में शहीद कर दिए गए। अस्सलामु अलैका या मूसा बिन जाफर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या राहिब आला मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या मस्जूना बिकअरि ज़ुलम। अस्सलामु अलैका या अय्युहल इमामुल हादी वल वलीयुल मुर्शिद व अन्नक मअदिनुत तंज़ील व साहिबुत तावील व हामिलुत तौरात वल इंजील वल आलिमुल आदिल वस्सादिकुल आमिल। या मौला या अना अब्रअ इलल्लाहि मिन आदाइक व अतक़र्रबु इलल्लाहि बिमुवालातिक। सल्लल्लाहु अलैका व अला आबाइका व अजदादिक व अबनाइका व शियतिका व मुहिब्बिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु करबला मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 21 रजबुल मुरज्जब का दिन गुजर चुका, 22 रजबुल मुरज्जब की रात लगी चाहती है और कल का दिन कूडों का दिन होता है और मोमिनीन अपने घरों में नियाज़ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अंजाम देते हैं, जिसका बहुत ही ज़्यादा सवाब है। आप सबको भी मुबारक हो कि आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के अक़ीदे पर अमल करने वाले हैं। आज 23 फरवरी 2022 ईस्वी थी और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 795 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौला का जिक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे नोहा खां, सैयद दिलबर हसन, दानिश आबदी, इब्न सैयद वसी, हैदर आबदी साहब नौगावा सादात इंडिया से, और शायर आले इमरान अलैहिस्सलाम सैयद आकाश बुखारी साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान से, और एक हमारे मेहमान नोहा खां सैयद अम्मार आरिफ नकवी साहब कराची पाकिस्तान से दावत थे जो कि शिरकत ना फरमा सकेंगे। बहरहाल खुदावंद मुताल आप सब पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए ताकि आप हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना रिज्क मकसूम कर रखा है हर उस शख्स के ऊपर जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से रिज्क को तलब करता है और जो अहले बैत अलैहिस्सलाम का दामाने रहमत पकड़े हुए है। अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया और आखिरत के अंदर जलील नहीं होने देता। जिस तरीके से आप टेलीविज़न के अंदर मुनादिर मुलाहिजा फरमा रहे हैं, काज़मैन शरीफैन की जानिब जिस तरह करबला में अरबईन पर मोमिनीन आया करते हैं, इस दफ़ा क्या बल्कि हमेशा ही मोमिनीन मशी करने की साई करते हैं काज़मैन शरीफैन की तरफ, क्योंकि शहादत है 25 तारीख को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की। जौक दर जौक मोमिनीन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलायत और मोहब्बत और इश्क का इजहार करने के लिए उनके दुश्मनों पर लानत करने की गरज से मौला की जानिब जा रहे हैं ताकि हक़ व हक़ानियत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इकरार कर सकें। ये मातम ही है जिसने हमें बचा रखा है, ये आज़ादारी अहले बैत अलैहिस्सलाम ही है जिसकी सबब से हम ज़माने के अंदर एक साथ हैं, क्योंकि अज़ाए अहले बैत अलैहिस्सलाम में हर शख्स अहले बैत अलैहिस्सलाम पर कुर्बान होने के लिए फरिश्ता हो तैयार है। और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का शहर गो कि तमाम आलम ही अहले बैत अलैहिस्सलाम का है, लेकिन काज़मैन भाव इस वक्त भरा हुआ है मोमिनीन से, मुहिब्बों से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खान, सैयद दिलबर हसन, दानिश आबदी साहब, इब्न सैयद वसी, हैदर आबदी साहब, नौगावा सादात इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद, या अली मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है, गो के शब तो लगी हुई है 22 रजबुल मुरज्जब की, और आगे शहादत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम भी आ रही है। मौला की बारगाह के अंदर तवस्सुल की घड़ियां हैं, लम्हात हैं, इश्क के मवद्दत के अल्फाज मौला की बारगाह में पेश करने का वक्त है। मोमिनीन यकीनन करबला के सबब से और मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से आपके मुंतज़िर हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह के अंदर अपना नजराने अक़ीदत पेश कीजिए और अपने माँ बाप की शराफत का इजहार करते हुए अपने तकवा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दुनिया और आखिरत की नजात तलब फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने एक मरतबा फिर मुझे मौला की मदाखानी करने का मौका दिया। सलामत। एक कलाम के चंद अशार पेश करता हूँ, समाप्त करेंगे। बिस्मिल्लाह। के नाम सब मोहतरम हुसैन के हैं, नाम सब मोहतरम हुसैन के हैं, सारे जाहो हशम हुसैन के हैं, नाम सब मोहतरम हुसैन के हैं। और देखेंगे कि सजदागाहे मलाइका है सभी, सजदागाहे मलाइका है सभी, जो भी नक्शे कदम हुसैन के हैं, कमाल, वाह वाह वाह, जो भी नक्शे कदम हुसैन के हैं, नाम सब मोहतरम हुसैन के हैं। तो पहले किरदार हुर का अपनाओ, पहले किरदार हुर का अपनाओ, फिर ये कहना कि हम हुसैन के हैं, फिर ये कहना कि हम हुसैन के हैं, नाम सब मोहतरम हुसैन के हैं। काफिले सब्र के जहाँ ठहरे, काफिले सब्र के जहाँ ठहरे, वो सभी आश्रम हुसैन के हैं, वो सभी आश्रम हुसैन के हैं, नाम सब मोहतरम हुसैन के है। और मकता देखेंगे हुजूर कि हम तो जहरा की है दुआ दानिश, हम तो जहरा की है दुआ दानिश, हम पे यूं भी करम हुसैन के हैं, हम पे यूं भी करम हुसैन के हैं, नाम सब मोहतरम हुसैन के हैं। शुक्रगुजार हूँ आपका, माशाल्लाह। एक कलाम है हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से, चंद इशारे पेश करता हूँ उसके कि कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली के साया है उन पे वारिसे कुल कायनात का, करते हैं नाम विद जो मौला की जात का, मकसद फकत यही है हमारी हयात का, इश्क़ अली है रास्ता अपनी निजात का, मुश्किल में अपने रहता है मुँह पर अली अली, मुर्दा भी जाग जाता है सुनकर अली अली, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली है, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली। और देखें हुजूर के खालिक की सल्तनत का निगहबान वो अली, दीने खुदा पे जिसका है एहसान वो अली, ईमान है इस्लाम है कुरान वो अली, जिसके हुए रसूल भी मेहमान वो अली, तो चारों तरफ जहान में चर्चा अली का है, सर असली कायनात पे कब्जा अली का है, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली। तो मुश्किल में अंबिया का सहारा अली बना, डूबा गए कोई तो किनारा अली बना, तारीखिए जहां का सितारा अली बना, दुनिया में सिर्फ एक ही प्यारा अली बना, तो मांगी अगर दुआ कभी आली मकाम से, आया है खुद मदद को खुदा इसके नाम से, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली। और मक्ता देखें हुजूर ये फरमान है नबी का अली ऐसी जात है, हक जिसके साथ उसके अली साथ साथ है, नबियों को जो सहारा दे ये ऐसी जात है, असगर अली की बात ही खालिक की बात है, तो बुग़्ज़े अली में ठोकरे दर दर की खाओगे, सीधे कसम खुदा की जहन्नुम में जाओगे, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली अली, कहते हैं या अली जो कहते हैं या अली। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हुजूर आप, वाला आपको सलामत रखें। अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो आपके पास वक्त है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की मुनासबत से अगर पढ़ें तो बहुत अच्छा रहेगा। या अगर कोई और कलाम पढ़ना चाहते हैं आप साहिब इख्तियार हैं। जी, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हवाले से तो कोई कलाम नहीं है मेरे पास, एक नौहा पेश करता हूँ, समाअत करेंगे। इनायत हो के जाते हैं सुबे दरिया, जाते हैं सुबे दरिया, प्यासों का तकाजा है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है प्यास की शिद्दत से हर एक कदम भारी, और जान से बढ़कर है सरवर की वफादारी, और जान से बढ़कर है सरवर की वफादारी, गाजी की निगाहों में, गाजी की निगाहों में तस्वीर सकीना है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है, टूटे हुए नेज़े से तोड़ी है निगहबानी, दरिया पे किया कब्जा लेकिन न पिया पानी, दरिया पे किया कब्जा लेकिन न पिया पानी, कैसी है वफादारी, कैसी है वफादारी, किस तरह का जज्बा है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है, गाजी की तमन्नाएं सब बह गई पानी में, एक तीर लगा कर जब मश्क सकीना में, एक तीर लगा कर जब मश्क सकीना में, पहुँचा न सके पानी, पहुँचा न सके पानी, दिल पर यही सदमा है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है, गाजी ने कहा रो कर एहसान ये कर देना, आका ये मेरा लाशा खैमे में न ले जाना, आका ये मेरा लाशा खैमे में न ले जाना, नामों से पैगंबर से, नामों से पैगंबर से शर्मिंदा ये सका है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है, जीता है कहाँ कोई गर खो दे बरादर को, क्या कह के दिलासा दूं मैं ज़ैनब मुज़्तर को, क्या कह के दिलासा दूं मैं ज़ैनब मुज़्तर को, अब्बास के लाशे पर, अब्बास के लाशे पर शबीर का नौहा है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है, और मक़ता देखें हुजूर के रोते हैं नजर दानिश शब्बीर की गुरबत पर, रोते हैं नजर दानिश शब्बीर की गुरबत पर, एक भाई तड़पता था भाई की मुसीबत पर, एक भाई तड़पता था भाई की मुसीबत पर, ये सुन के जमाने का, ये सुन के जमाने का मजलूम पे गिरा है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है, जाते हैं सुए दरिया, प्यासों का तकाजा है, अब्बास भी प्यासे हैं, रहवार भी प्यासा है। मौला आपको सलामत रखें, मौला आपको भी सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। आपके साथ साथ ज़रिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मनाजिर भी दिखाए जा रहे हैं। यकीनन मौला की बारगाह के अंदर आपने पुरसा पेश किया, मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फ़रमाएँ। ये ज़िक्र, ये मार्फत, ये मोहब्बत, ये इश्क आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। हमेशा इसी तरीके से प्याम और ज़िक्र मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़माने में आम करते रहें। सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। जब जब मौका मिला दावत देने का शरफ़ हासिल करूँगा, उम्मीदवार रहूँगा। हम नवाई फरमाकर इस मुक़द्दस महफ़िल को मुनव्वरतर फरमाते रहेंगे। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ नोहा खां, सैयद दिलबर हसन, दानिश आबदी साहब, इब्न सैयद वसी हैदर आबदी साहब, नौगामा सादात, इंडिया से। खुदावंद मुताल आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। और जल्द करबलाए मौला ज़रिए अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पकड़ कर मौला की बारगाह में हदीया ज़िक्र पेश करने का शरफ़ हासिल हो। सलामतियाँ और खैर और बरकत आपके साथ साथ रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र नसीबों की बात है, मुक़द्दर से मिलता है, शराफ़त नस्बी से मिलता है, शराफ़त हस्बी से मिलता है। लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से जब भी चंग ज़दन वाला हाल देखें, जब भी देखें कि आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को मुहकम पकड़ रखा है, तो अपने माँ बाप के हक़ में भी दुआ किया कीजिए और उस माहौल और उस तरबियत को भी दुआ किया कीजिए जिसने आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने दिया। क्योंकि इंसान माँ बाप की गोद से ही मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में परवान चढ़ता है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत ये माँ की पहली दरसगाह उसकी गोद होती है, जहाँ से उसे मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आसानी के साथ मिल जाती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायर इमरान अलैहिमुस्सलाम सैयद आकाश बुखारी साहब, मुल्तान, पंजाब, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जनाब आकाश बुखारी साहब, मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, पीर मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है और मौला की बारगाह में तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। यकीनन मवद्दत का कलाम मोहब्बत के साथ बारगाह में पेश फरमाएंगे और मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाएंगे। चाहूँगा अपने दिल की अथाह गहराइयों को मौला की बारगाह के अंदर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए सर्फ़ फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को सैयद आकाश बुखारी की तरफ से या अली अस्सलाम मदद। वालेकुम सलाम मौला अली मदद। तो 4 सत्र अपनी गुफ्तगू का आगाज करूंगा। बिस्मिल्लाह। कि मेरी हयात में आराम चैन रहता है। वाह। मेरी हयात में आराम चैन रहता है कि चश्मे फिक्र में रहता है। वाह वाह। और मैं अपने बख्त पे आकाश क्यों ना नाज करूं, मेरे जमीर के घर में हुसैन रहते हैं। वाह 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 वाह। मालिक आप सलामत रखे। तो एक नज़्म है जो मैं, क्योंकि करबला तो एक नज़्म मैं सामीन की नजर करना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह जी, तवज्जो फरमाइएगा, इनायत हो। एक कर्म ऐसा मेरे खुदा कर दे। वाह। कर्म ऐसा मेरे खुदा कर दे। वाह। मेरी सांसों को करबला कर दे। वाह वाह वाह। कर्म ऐसा मेरे खुदा कर दे। वाह वाह। सब मोमिन की अल्तजा है जो दुआ है, मैं उनके जज्बात की तर्जमानी करना चाहूंगा। बिस्मिल्लाह। हाँ दिखा के अब्बास का रोज़ा। वाह। हाँ दिखा के अब्बास का रोज़ा, मेरी आंखों को बावफा कर दे। वाह 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 वाह, कमाल, वाह वाह वाह। मेरी आंखों को बावफा कर दे, मेरी सांसों को करबला कर दे। कर्म ऐसा मेरे खुदा कर दे। वाह वाह वाह। एक आरज़ू, मर्द जितने है ला दवा उनकी, मर्द जितने है ला दवा उनकी, खाके करबल से ही दवा कर दे। वाह वाह वाह। मेरी सांसों को करबला कर दे, कर्म ऐसा मेरे खुदा कर दे। एक शेर अब आपकी नजर है। मुझको मतलूब है दरे अकबर, वाह वाह। मुझको मतलूब है दरे अकबर, दरे असगर कभी गदा कर दे। वाह वाह वाह। मेरी सांसों को करबला कर दे, कर्म ऐसा मेरे खुदा कर दे। वाह वाह। एक अकीदत से बड़ा शेर है मोमिनीन की नजर में। मेरा मदफन हो हुर के कदमों में, वाह। मेरा मदफन हो हुर के कदमों में, यूं आता की तू इंतहा कर दे। वाह। यूं अता की तू इंतहा कर दे। वाह वाह वाह। मेरी सांसों को करबला कर दे, कर्म ऐसा मेरे खुदा कर दे। वाह वाह वाह। और इस नज़्म का आखिरी शेर है। बिस्मिल्लाह। हो मयसर हबीब की कुर्बत, वाह वाह। हो मयसर हबीब की कुर्बत, वाह। जौन के साथ एक जा कर दे। वाह 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 वाह। जौन के साथ एक जा कर दे, मेरी सांसों को करबला कर दे। वाह वाह। कर्म ऐसा मेरे खुदा कर दे। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह जी। आपके पास 8 मिनट है, अगर कुछ पढ़ना चाहें तो। जी जी, मैं, मेरा दिल है कि मैं एक नज़्म और सुना दूं। जी जी, बिस्मिल्लाह। 2 सुना सकते हैं आप, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी जी, बिस्मिल्लाह जी, मैं जरूर सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गौर से सुन ले ये आज़माना, मौत भर मुझको करने लगे हैं। वाह वाह। देख ले गौर से ये जमाना, वाह। मौत भर मुझको करने लगे हैं। वाह वाह। देख ले गौर से ये जमाना, मौत भर मुझको करने लगे हैं। हर घड़ी जो बिलाओ अदा में, वाह। मेरे लम्हे गुजरने लगे। वाह वाह वाह। और शेर की नफासत को चेक कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाह। घर की छत पे है मैंने लगाया, जब से अब्बास तेरे अलम को देखता हूँ रोजाना फरिश्ते मेरे घर में उतरने लगे। वाह 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 वाह। देखता हूँ रोजाना फरिश्ते मेरे घर में उतरने लगे हैं। वाह वाह। और जो जो इदाते आले मोहम्मद करता है तो वो होता क्या है और हो क्या जाता है। वाह। शेर काबिल तवज्जो है। बिस्मिल्लाह। देख ले गौर से ये जमाना मैं था क्या और क्या हो गया हूँ मिदहते मुर्तजा करते करते वक्त मेरे संवरने लगे हैं। वाह 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 वाह। मिदहते मुर्तजा करते करते वक्त मेरे संवरने लगे हैं। वाह वाह वाह। मातमियों की अजमत में एक शेर है कि जनाब सैयदा जन्नत के दरवाजे पे जब खड़ी होंगी, अल्लाह जब मातमी पुल से गुजरेंगे तो बीबी उनका तारुफ कैसे करेंगे। बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह। आओ इनका तारुफ कराऊं जिनकी मैं सैयदा मुंतजिर थी। अल्लाह अल्लाह। मेरे शबीर के मातमी है ये जो पुल से गुजरने लगे। वाह 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 वाह। जियो कमाल। मेरे शबीर के मातमी है सुभान अल्लाह ये जो पुल से गुजरने लगे हैं। वाह वाह वाह। एक शेर है जी, थोड़ी सी शिद्दत है उसमें। बिस्मिल्लाह। जाम मैंने बिला का पिया है नाम हैदर तो मैंने लिया है आपको क्या हुआ क्यों अचानक शेख जी आप मरने लगे। वाह 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 वाह। आपको क्या हुआ क्यों अचानक शेख जी आप मरने लगे। वाह 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 वाह। और आखिरी शेर है इस नज़म का। बिस्मिल्लाह। और है शैतानी सा इदराक उनका के लहू भी है नापाक उनका जिक्र मौला अली सुनते सुनते जिनके चेहरे बिगड़ने लगे। वाह 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 वाह। जिक्र मौला अली सुनते सुनते वाह वाह जिनके चेहरे बिगड़ने लगे। वाह 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 वाह। मतरे जी जी 5 मिनट और हैं आपके पास। अच्छा जी चले मैं आपको सरकारे वफा की शान में सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह 4 सत्र सुना देता हूँ। इनायत हो कि क्या खूब दीने हक को पाइंदा कर दिया। वाह वाह। अजमत सरकारे वफा। वाह। क्या खूब दीने हक को पाइंदा कर दिया। वाह वाह। और मकसद हुसैन को भी जिंदा कर दिया। वाह वाह। पानी के मुंह पे मार के पानी को दोस्तों अब्बास ने फुरात को शर्मिंदा कर दिया। वाह 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 वाह। तो एक शेर जी आपकी नजर और जनाब सरकार वफा का। बिस्मिल्लाह। के जहां में शर्म व इफ्फत का कोई एहसास ना होता। वाह वाह। और जवाना ने शुजात का किसी को पास ना होता। वाह। बताया अहले ईमा को ये करबल की हकायत ने, वफा दुनिया में ना होती अगर अब्बास ना होता। वाह 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 कमाल, वाह वाह वाह। तो मालिक आपको सलामत रखे। बिस्मिल्लाह एक शेर आपको मैं सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो चूँकि साइयों की बारगाह में है तो मेरा दिल है कि मैं एक सरकारे अली मुर्तजा की शान में एक भाई सुना देता हूँ। वाह वाह। ये हकीकतों की हकायत से आग लग जाए, वाह। गदीर खुम की रिवायत से आग लग जाए। बिस्मिल्लाह। और मैं उसको कैसे नमाजी या मुत्तकी कह दूं जिसे अली की विलायत से आग लग जाए। वाह 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 जी। सलामत रहे जी, सलामत रहे जी, सलामत रहे। मालिक आपको सलामत रखे। तो अगर इजाजत हो जी तो मैं एक रुबैया आपको और भी सुना देता हूँ। बिस्मिल्लाह। हाँ शायद काल कट गई है। बहरहाल बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, बहुत प्यारा अच्छा वक्त स्पेंड किया। मौला आपको सलामत रखें, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। मौला की बारगाह के अंदर बेहतरीन अंदाज में इखलास को पेश किया। मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएं। नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में है, यह आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला की बारगाह में दावा देने का शरफ़ हासिल करूँगा, उम्मीदवार रहूँगा। आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें ज़िक्र मार्फत व मोहब्बत इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से। ये थे हमारे साथ शायर आले इमरान अलैहिमुस्सलाम सैयद आकाश बुखारी साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएँ। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। आप खुशबख्त हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आलमी चैनल ने एहतमाम किया है आप लोगों के लिए कि हमारे प्रोग्राम के दरमियान इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम अतहर की आज़ादारी के एतबार से तब्दील ये परचम है, अलम मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम का तब्दील किया जा रहा है। और इसी मुनासबत से वहाँ पर मोमिनीन की कसीर तादाद मौजूद है, क्योंकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहादत 25 रजबुल हुस्न को है। इसी एतबार से आज के दिन से ही मौला का हरम मोमिनीन से भरा हुआ तो पहले से ही है, लेकिन परचम आज की शब में तब्दील किया जा रहा है और कसीर तादाद मोमिनीन की मौजूद है। ये दिलकश मनाजिर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के हरम के देखकर यकीनन आपका दिल भी भर आया होगा कि काश हम भी इस वक्त मौला के हरम में होते और मौला की बारगाह के अंदर तसलियत और ताज़ियत पेश कर रहे होते। बहरहाल आप जहाँ कहीं भी हैं, यह आपके दिल का इखलास मौला की बारगाह में पहुँच रहा है। और ये तब्दीली परचम हरम मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आपके सामने पेश किया जा रहा है। और यकीनन आपकी दुआएं आपके दिलों में हैं, आपकी ज़बान पर हैं और ये मनाजिर देखकर आपका दिल काज़मैन में पहुंच गया है करबला के तवस्सुत से। करबला हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने का दर्स देती है, तरीक़ा मुहैया करती है, अंदाज़ सिखाती है। ये करबला की इनायत है हमारे ऊपर। हमारे साथ जो फेसबुक के ऊपर दोस्तान रहे उनमें जनाब मुहतरमा उम्मे लैला हुसैन साहिबा ने लिखा, मौला मुझे सेहत शिफा अता फ़रमाए, मौला आपकी दुआएं कबूल फ़रमाए। फिर ज़हरा बतूल साहिबा ने लिखा, अस्सलाम वालेका या अमीर अलमोमिनीन, मौला आपके सलाम को कबूल फ़रमाते हैं और यकीनन बेहतरीन जवाब आपके लिए रहमतें बरकतें और अपनी ज़ियारत का नज़ूल है आपके ऊपर। मैं आपके लिए ढेर सारी दुआएँ करता हूँ, सलामत रहें। कौकब बुखारी साहब हैं या साहिबाएँ, क्योंकि कौकब मुश्तरक है नाम। बहरहाल जिन्होंने भी लिखा सलाम या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फ़रमाते हैं, मौला आपको जल्द दरी पकड़ कर सलाम की तौफीक अता फ़रमाएँ। नज़ाकत लगारी साहब ने माशाल्लाह लिखा, नहीं हाय मज़लूम हुसैन भी लिखा, मौला आपके हकीकत हकीकत परस्ती को कबूल फरमाएँ, सदाबाद रहें। आखिरी वक्त चल रहा है प्रोग्राम का, यकीनन शब वही है जो कि मौला की बारगाह में एहतराम और अकीदत पेश करने की शब हो। मौला आप सबको अपने से मुतमस्सिक रहने की तौफीक अता फरमाएँ। आखिरी वक्त है, आइए उस इमाम को जिनके सबब से हम सांस ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनके लिए दुआ करें। मिलकर कहते हैं अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वल आफियत वन नस्र वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारिही।